हेलो फ्रेंड, दिस इज लक्ष्मण कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, मैं जेई मेंस के ऊपर वीडियो बनाता हूं। तो आज आपके लिए मैं बहुत स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। फोर्थ सेशन में जो आप फोर्थ सेशन के लिए आप जो तैयारी करोगे, बस सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मंथ मिला है, 4 हफ्ते मिले। तो इस 4 हफ्ते में आपको जेई मेंस के अंदर जो बीआर है, आप जेई बीआर बी प्लानिंग, ठीक है, बहुत की मैं बताऊँगा, और जी इसी इसी के बेस पर हमारा बीटेक क्या रहेगा। तो आप मतलब मैं बताऊँगा कि कैसे आप इन 4 हफ्तों में आप कैसे क्लियर कर सकते हो अपना एग्ज़ाम, ठीक है। तो मैं देखो, मैं नहीं बताऊंगा आपको कि 1 घंटे में आपको सुबह उठ के 7 बजे 1 घंटे ये घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना, जैसे आपको पढ़ना है वैसे पढ़ो, जिस प्रकार आप पढ़ते हो उस प्रकार पढ़ो। लेकिन द वे मतलब क्या पढ़ना, जिस तरीके से आपको पढ़ना है वो नहीं बताऊंगा आपको। आप रात को पढ़ते हो, नाइट पर्सन नाइट को पढ़ो, दिन में पढ़ते हो दिन में पढ़ो। मैं बताऊंगा आपको कि पहले हफ्ते में क्या करना है, सेकंड हफ्ते में क्या करना है, ठीक है। इससे आप एक प्रोसेस बना लो कि भाई फर्स्ट हफ्ते मैंने कंसेप्ट खत्म कर लिए, बाकी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा ही, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, और अभी मैंने लिखा है कि रिवाइज करें, ठीक है, और उसके बाद मैं इलेबोरेट करके सही से बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, ठीक है। टाइम टेबल फॉर 1 मंथ, 1 मंथ में अगर आपने टाइम टेबल फॉलो कर लिया और सही से कर लिया मतलब, तो 1 मंथ में जेईई मेंस क्लियर हो सकता है, ऐसा टाइम टेबल है ये, ठीक है। बी आर्क, ये टाइम टेबल बी आर्क के लिए है, ठीक है। मैथमेटिक्स फर्स्ट वीक के अंदर, देखो आज अभी पूरे अभी से लेके हमारा जो जेई मेंस होगा फोर्थ सेशन, वो पूरे 4 हफ्ते हैं। तो 4 हफ्ते के लिए पूरे 4 हफ्ते का मैं शेड्यूल बताऊंगा आपको क्या है, क्या करना है आपको। तो मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट वीक में वो क्या करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। सिर्फ मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट करना है, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। आपने कॉन्सेप्ट किया, एक आधा क्वेश्चन कर लो उसके ऊपर, मतलब क्वेश्चन का टाइम भी आएगा, ठीक है। और जब देखो, जब कॉन्सेप्ट का टाइम है तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो और क्वेश्चन कम करो। जब क्वेश्चन का टाइम आएगा तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान कम दो और क्वेश्चन दबा के करो, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में आपको कॉन्सेप्ट खत्म करना है, ट्राई करो, क्योंकि देखो टाइम नहीं है एक हफ्ते में। तो ट्राई करो कि भाई जितने आपने नोट्स बनाए थे उसको ट्राई करो, ख़त्म कर लो, ठीक है। तो 11, 12 ही हो जाए ख़त्म, ट्राई कर लो। तो फर्स्ट वीक हमारा मैथ्स का ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। एप्टीट्यूड में क्या, आप एप्टीट्यूड में कॉन्सेप्ट देखो मैं आगे बताऊंगा कि एप्टीट्यूड में कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैंने कवर कॉन्सेप्ट लिख दिया, मेरे बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, ठीक है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जिसको आप ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी ड्राइंग, देखो ड्राइंग में क्या है, इसके अंदर कुछ टेक्निक्स होते हैं, आपको कुछ प्रैक्टिस करना होता है। ड्राइंग पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप आगे जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लो कि हमारे टेक्निक्स क्या है, जैसे कि हमारे हो गए द वे हम किस प्रकार से पर्सपेक्टिव क्या, ड्राइंग की पर्सपेक्टिव क्या होती है। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है 1 पर्सपेक्टिव या 2 पर्सपेक्टिव के ऊपर आता है, ठीक है। जितने मैंने क्वेश्चन देखे हैं पिछले हमारे जेई मेंस बीआर के अंदर, वो हमारे 2 पर्सपेक्टिव के ऊपर आता है, ये 1 पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव क्या होता है ये वीडियो में, इस वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। सेकंड वीक में आपको क्या करना है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देना धीरे धीरे, कि आप क्वेश्चन मतलब आपने कॉन्सेप्ट देखा उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना धीरे धीरे शुरू कर दो, ठीक है, वो ट्राई करो। और ठीक है, एप्टीट्यूड के अंदर क्या देखना है, करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर जो आर्किटेक्ट के अंदर है, वर्ल्ड के देख लो, इंडिया के देख लो, इंडिया के अंदर ऐसे कौन से, इसकी देखो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ राम मंदिर। तो देखो अगर एक क्वेश्चन आ भी गया राम मंदिर के ऊपर, किसी भी टॉपिक के राम मंदिर के ऊपर, अगर आपको नॉलेज है राम मंदिर का, तो एक मार्क्स 4 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो आप स्कोर कर सकते हो। तो करंट अफेयर भी देख लो कि क्या ऐसे कौन से आर्किटेक्चरल हमारे मोन्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं या फिर बन चुके हैं पिछले साल, ये मतलब करंट अफेयर में जो बनेंगे या फिर बनने वाला है, तो ऐसा आप देख लो, ठीक है, फिर उसके बारे में जान लो पढ़ लो, ठीक है। और ड्राइंग के अंदर देखो मैंने क्या लिखा है, डू प्रैक्टिस विद प्रीवियस क्लियर क्वेश्चन पेपर, आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के, ठीक है, उसको ढूंढो ऑनलाइन देखो, ठीक है, जहाँ 10 ईयर निकाल लो, मैंने आपको कई सारे बुक भी बताया, ठीक है, तो उनको देखो, ठीक है। और ट्राई करो ना कि क्वेश्चंस को सॉल्व करके, ठीक है, और देखो टाइम कितना लग रहा है आपको, और ट्राई करो कि हर क्वेश्चन में आप ड्राइंग भी करो और शेडिंग भी करो, ठीक है। तो देखो कि हर एक क्वेश्चन आपको ड्राइंग का कर रहे हो तो कितना आपको टाइम जा रहा है। अगर आप 3D ड्राइंग कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कलर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है, तो आपको वहाँ कलर करने के लिए पूछ लिया जाएगा, वहाँ पर लिखा होता है कि क्वेश्चन कलर करना है आपको, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है सेकंड वीक के ड्राइंग में, ठीक है। थर्ड वीक में वो क्या करना है, सॉल्व क्वेश्चन एंड द रिवाइज योर करंट योर ऑन नोट्स,
आपको क्वेश्चन सॉल्व तो करने ही है, और जो आपके नोट्स थे जो आपने खुद बनाए थे, आपने जब आप मेरे वीडियो देख के बनाए हो या चाहे खुद सेल्फ स्टडी करके बनाया हो आपने, तो वो नोट्स को आप खुद पढ़ो। क्योंकि देखो आपने खुद जब खुद लिखा होगा तो अगर आप अगर रिकॉल उससे जल्दी से रिकॉल कर पाओगे चीज़ों को, क्योंकि हम जब खुद लिखते हैं और दोबारा पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमने पहले ये पढ़ चुका है। ठीक है, तो जो आपका हमारा आपका नोट्स है उसको आप, मैं कह रहा हूँ उसको तो पूरा ही पढ़ो, उसको इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा है बच्चों को काफ़ी सारा कि अपने नोट्स नहीं पे ध्यान नहीं देके वो शुरू से बुक पे ध्यान देते हैं या फिर बुक ले बाय कर लेंगे। तो अब बुक बाय करो आप, लेकिन पहले अपने नोट्स ख़त्म कर लो, क्योंकि उसको टाइम कर ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा अपने नोट्स से। ठीक है, एप्टीट्यूड हमारा, ठीक है, एप्टीट्यूड के ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के ऊपर होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दो। बाकी मैं बताऊँगा, एप्टीट्यूड हमारा 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये 200 मार्क्स का है तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस तो बराबर करना है, लेकिन अगर 200 मार्क्स का है तो हमें ट्राई करना है कि 200 में से अगर 180 भी आ जाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं और इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बाकी ड्राइंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्वेश्चन लो, सर्च करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करो। और मैं बता दूँ आपको, आपको पूछ लिया जाएगा कि आपकी मम्मी है, ठीक है, किचन में खड़ी है, किचन में खाना बना रही है और आप डोर पे खड़े हो और मम्मी को देख रहे हो खाना बनाते हुए, तो आपको जो किचन का जो व्यू रहेगा वो आपको बनाना है। चिमनी रहेगी, ठीक है, मॉड्यूलर किचन है तो मॉड्यूलर बनाओगे, मॉड्यूलर में आसान रहता है। ठीक है, तो वो किचन बनाओगे तो वैसे पूछ लिया जाता है। तो वैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको प्रॉब्लम को फाइंड करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो। ठीक है, आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, एनटीए के वेबसाइट पर जाकर, तो यहाँ पे जाके प्रैक्टिस पेपर दो और ट्राई करो कि भाई मैं ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि ड्राइंग के सिर्फ दो क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का होता है। अगर आपने 80 मार्क्स भी स्कोर कर लिया तो आपके, मैं कह रहा हूँ कि आपको NIT जाना है तो करना ही पड़ेगा। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि 5000 रैंक तक ही आपको पॉसिबल है कि हमारे जेई मेंस के अंदर अच्छा NIT कन्फर्म हो पाएगा। ठीक है, बाकी मैंने अभी थर्ड वीक तक बताया मैंने आपको, अभी मैं फोर्थ वीक का बताता हूँ। उसके बाद मैं वीडियो में बताऊंगा कि एप्टीट्यूड के अंदर कौन से टॉपिक करने हैं, मैथ्स के अंदर कौन से टॉपिक ज़्यादा करने, ज़्यादा फोकस करने हैं। ठीक है, और ड्राइंग के अंदर पर्सपेक्टिव क्या होता है। ठीक है, और ड्राइंग का जो टेक्निक्स होते हैं सॉल्व करने के क्वेश्चन वो क्या होते हैं वो वीडियो में बताऊंगा। अभी फोर्थ वीक के प्लान में कुछ भी चेंज नहीं है। बाकी चेंज मैं बता दूँ आपको, चेंज क्या है, आपको 6 डे दबा के मेहनत करना है, मतलब 6 दिन दबा के मेहनत करना है, 1 दिन ऐसा रेस्ट करना है, मतलब आपको एग्जाम के बारे में सोचना ही नहीं है। देखो टेंशन कब होता है, जब हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें टेंशन होता है कि भाई क्या होगा सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हम शुरू करते हैं कि फोर्थ वीक में हमें क्या करना है। ठीक है, फोर्थ वीक में हमें करना है मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट 30 डेज के अंदर डेली एक मॉक टेस्ट तो सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन फोर्थ वीक जैसे शुरू हो जाए या फिर थर्ड वीक जिस प्रकार आपको आपको टाइम मिले, ठीक है, मॉक टेस्ट ट्राई करो कि मैं एक तो डेली सॉल्व करो ही करो, और फोर्थ वीक के अंदर 3 मॉक टेस्ट डेली, जिसके अंदर मैथ भी होगा, एप्टीट्यूड होगा, ड्राइंग होगा, सब होगा। ठीक है, तो आपको ना वहाँ पे एक तो चल जाएगा पता है मैथ्स के अंदर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, और चल जाएगा पता कि कौन से आपको कॉन्सेप्ट है। देखो अब लास्ट वीक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे आप, लेकिन आपको चल जाएगा पता कि कौन सा कॉन्सेप्ट मेरे लिए स्ट्रांग है और कौन सा थोड़ा मैं वीक हूँ जिसमें। ठीक है, तो अपडेट में आपको चल जाएगा पता, प्रोसेस यही चीज़ चल जाएगा। और बेसिकली होगा टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है आपको, देखना है कि 2-3 घंटे के अंदर आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, कहीं आप टाइम के अंदर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ये देखना है। ठीक है, देखना है कि जो ड्राइंग है उसमें कितना टाइम जा रहा है आपको, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम जा रहा है, एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में ऑनलाइन एवरेज निकाल लेना है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने की एप्टीट्यूड में मुझे इतना क्वेश्चन जा रहा है तो मुझे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम लगेगा। आपको देखो अगर आपको टाइम पता रहेगा, क्योंकि एग्जाम जो होता है हमारा टाइम के ऊपर होता है, और हमें जब टेंशन जब एग्जाम में आती है ना तो वो टाइम के ऊपर ही आती है, तो आप ट्राई करो कि भाई जो मेरा लेवल ऑफ टेंशन हो वो कम रहे वहाँ पे, क्योंकि देखो और काम रहो एग्जाम के अंदर। ठीक है, एग्जाम के आखिरी देखो शुरू के 3 घंटे का होता है, आखिरी 1 घंटे में मैंने देखा कि हर बच्चों का जो टेंशन लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है टाइम कम है। तो जो आपने आप 2 घंटे के अंदर जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें कम टाइम लगाओ, जो नहीं आ रहा है उसको स्किप करो या फिर रिमार्क में लगा दो, बाद में सॉल्व करेंगे अगर हो पाया तो। ठीक है, तो बात करते हैं कि हमें मैथ्स के अंदर क्या करना है। देखें और देखो टेम्परामेंट बनाना है, सबसे पहले आपको टेम्परामेंट बनाना है कि भाई मैथ्स जो है, देखो मैथ्स के 25 क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन में 5 तो हमारे
जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 20 मैं बोलूँगा 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 20 क्वेश्चन है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो अब मैं आपको ट्राई करना है कि 10 कम से कम आपको 10 सही करने हैं। तो सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दबा के मेहनत करना पड़ेगा। और आपको मैं टॉपिक बता दूंगा इसमें, अभी इस वीडियो में बता दूंगा कि कौन से टॉपिक पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे, इसके कारण आपको 10 क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। देखो, 6 डेज का स्टडी प्लान बनाओ, आखिरी हफ्ते 7 दिन का प्लान में 6 दिन का स्टडी प्लान बनाओ, जिसको आप अच्छी तरह से फॉलो कर सको। ऐसा मत करो कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँ, जब आप उठ सकते हो तब पढ़ो, 8 घंटे की फुल नींद दो 9 घंटे की, ठीक है, तब स्टडी करो, ठीक है। और लास्ट जो होगा, मतलब अगर कल एग्जाम है और आज हम पढ़ रहे हैं तो मतलब नहीं है। देखो, अगर पूरा साल हमने पूरा महीना या फिर पूरा साल पढ़ लिया और एक दिन भी नहीं पढ़ा तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने अगर एक दिन नहीं पढ़ा और आपने टेंशन नहीं लिया ना, तो ये इस पर एग्जाम के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। अगर क्योंकि टेंशन लेने से क्या होगा, क्योंकि हमारा एक तो टेंशन लेने से हमारी नींद नहीं आएगी रात में, ठीक है, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं बता दूं आपको, जो उससे एक एग्जाम से एक दिन पहले खाना भी कम खाना है, जिससे कि नींद वगैरह ना आए, ठीक है, और आलस वगैरह ना आए, ठीक है। तो लास्ट डे हमें स्टडी करनी है, मतलब कम करनी है, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने चले जाओ, जो आपका एक फेवरेट गेम है वो कर लो, वीडियो गेम खेल लो, जो करना है वो कर लो, लास्ट डे आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एप्टीट्यूड के अंदर आपको मॉक टेस्ट देना है, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि अभी बता दूंगा इस वीडियो में कि कौन कौन से टॉपिक आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट ड्राइंग में करना है, और देखो, और इसी सातवें, मतलब आखिरी वीक, लास्ट सेवन डेज के अंदर आपको क्या करना है कि पर डे 3 क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, पर डे 3 क्वेश्चन पेपर। आपको पता है 3 घंटे का होता है, हो सकता है ना हो आपसे, तो दो कर लो, एक तो डेफिनेटली करना, लेकिन दो अगर ट्राई कर सको, 3 ट्राई कर सको तो बहुत है। लास्ट के एक महीने अगर आपने मेहनत कर लिया, ठीक है, तो मैं बता दूं आपको 110% कह रहा हूँ कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, NIIT के किसी भी कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आप एडवांस के देख रहे हो तो फिर आगे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको 3 क्वेश्चन पेपर, मैं सोचता हूँ अगर अगर बच्चा मेहनती है, अगर आप मेहनत कर सकते हो, तो 3 क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है, आसानी से सॉल्व कर पाओगे आप। थोड़ा कम सो, ठीक है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले दबा के सो, लेकिन उससे पहले तो थोड़ा नींद थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है। स्टूडेंट के लिए वैसे भी होता है कि नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, क्योंकि उसको बॉडी वर्क नहीं होता है कि भाई वो 8 घंटा कंपल्सरी, 6 घंटे भी सोएगा तो काफ़ी रहता है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में ही बात करता हूँ मैं आपसे कि मैथ्स के अंदर कौन से टॉपिक आपको सॉल्व करना है, एप्टीट्यूड के अंदर कौन से टॉपिक आपको सॉल्व करना है, और ड्राइंग के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या फिर हमारे टॉपिक्स हैं जिसको आप सॉल्व करना है, और क्या कहते हैं, आपको बात करना है कि जो टॉपिक्स हैं उसको टेक्निक्स जाननी है, इसी वीडियो में आपको सब बताऊंगा। हमारे 4 वीक का मैंने आपको प्लान बता दिया है, ठीक है, आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितना क्वेश्चन करना है, कैसे पढ़ना है, और लास्ट डे आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, ठीक है। मैं बता दूँ आपको क्या टॉपिक आपको सॉल्व करना है। देखो, मैं आपको बता दूँ कि जितने भी टॉपिक्स हैं आपको सबको थोड़े थोड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो, 2 क्वेश्चन मैं ड्राइंग के अंदर 2 क्वेश्चन आता है, तो आपको मैं क्या बताऊँ कि कौन सा टॉपिक सब कर लो जिसके ऊपर आएगा। देखो, 3D जितने भी 3D ड्राइंग होता है, जितना भी 3D ड्राइंग होता है उसको आप सॉल्व करो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। पर्सपेक्टिव देख लो कि क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कि देखो, मैं अगर ये कैमरे के बिल्कुल पास लेके आऊँ मैं, देखो, तो आपको जो आगे का जो निप है ये, ठीक है, तो ये बड़ा दिख रहा होगा, जो ये पीछे है बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन रियली में क्या है, दोनों इक्वल है, इक्वल साइज़ के हैं। लेकिन जो आपको ड्राइंग इसका बनेगा, तो ये बड़ा बनाओगे आप सर्कल में 2D में, और ये छोटा बनेगा, ठीक है। तो यही पर्सपेक्टिव ड्राइंग होती है, ठीक है। इसको ये देखो, इसका जो ड्राइंग बनेगा तो ये होगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ऐसे कमरा जो बनता है हमारा, वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का होता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट के आते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर 2 पॉइंट के ऊपर बनाया जाएगा बिल्डिंग, कि आप बिल्डिंग के कोने में खड़े हो और 2 पॉइंट पर पर्सपेक्टिव पर ड्राइंग बनाओ। तो मैं यहाँ पे आपको बना, कई वीडियो मैंने आपको बताई भी है, और आगे वाले आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ड्राइंग का हो गया, आपको पर्सपेक्टिव पे ड्राइंग में ध्यान देना है, ड्राइंग एप्टीट्यूड जितने भी होते हैं उनको आपको सॉल्व करने हैं। आपको आपने बुक देखा होगा, आप नोट्स देखे हैं अपने, वहाँ से आप अपने ड्राइंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने हो सकता है आपसे। अब हम आते हैं एप्टीट्यूड के ऊपर। देखो, आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। देखो, मैं यहाँ पे लिखा मैंने कलर थियरी, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड के ऊपर और एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर, ठीक है, और कलर थ्योरी, इनके ऊपर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आर्किटेक्चुरल एप्टीट्यूड के ऊपर और एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर, ठीक है, और मेंटल एबिलिटी के ऊपर। और जो 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें कलर थ्योरी आता है, कलर थ्योरी में हमारे, मैं आगे
तीन चार मिनट की वीडियो बनेगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा मैं कलर थ्योरी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसके आपके मैक्सिमम 12 से 15 मार्क्स 16 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और मैं बता दूं मैथ्स, मैथ्स के अंदर देखो कॉनिक सेक्शन और सीक्वेंस सीरीज, मैथ्स के अंदर क्वेश्चन सिर्फ 25 होते हैं, ठीक है, और हमारे चैप्टर्स हमारे कितने हैं, 11th के कुछ 14-15 हैं और 12th में 14-15 हैं, ठीक है, 30 है। तो देखो हर कुछ अगर हम देखें ऑनलाइन एवरेज निकाले तो हर कुछ चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कुछ चैप्टर में से नहीं भी आता, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं, मान लो कि क्वेश्चन आ रहा है हमारा इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हमारा लगा होगा ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला लगा होगा, ठीक है, कॉनिक सेक्शन भी आ जाता है, मान लो कॉनिक सेक्शन का हमारा प्रॉब्लम है उसमें पूछ लेगा एरिया निकालो, ठीक है, या फिर सर्कल के एरिया निकाल दो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके, तो मतलब मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो हम कह नहीं सकते कि हाँ मैथ्स के अंदर आप ये टॉपिक कर लो, मैथ्स के अंदर देखो जितना आप कर लो उतना कम है, मैथ्स हमारा कभी भी बच्चा, मैंने देखा है कि बच्चा हमेशा परेशान रहता है मैथ्स में, तो ट्राई करो आप मैथ्स पे, मैंने देखा है कि आप भाई, मैंने इसलिए नहीं बोला आप 20-20 सॉल्व करके आओ, आप ट्राई करो कि 8 से 10 क्वेश्चन आप ठीक करो, ठीक मतलब बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, आप जिससे आप श्योरिटी होगी मैं ये कर ही लूँगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो में इतना ही था, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि एप्टीट्यूड में क्या करना है, आपको ड्राइंग में क्या करना है, बाकी आने वाले वीडियो में आपको मैं धीरे धीरे दो मिनट की वीडियो बनेगी और एक एक टॉपिक में आपको अच्छी तरह से बता दूंगा, ठीक है, बाकी वीडियो में इतना ही था, ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।